डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू सेविंग मोमेंट। मैं सुमन, आज की वीडियो में मैं शेयर करने जा रही हूँ वॉशिंग मशीन का कवर। मेरे पास ये फुली ऑटोमेटिक मशीन है, तो ये मेरे पास पर्दे पड़े थे पुराने, जो काफ़ी पुराने हो गए हैं, तो इनसे मैंने सोचा वॉशिंग मशीन का कवर बना लूँ, क्योंकि मार्केट में काफ़ी महंगा वॉशिंग मशीन कवर आता है। तो इसलिए आप थोड़ा बहुत सिलाई जानते हैं, तो आप इस तरह से कोई भी कपड़े यानी पुराने कपड़े से आप वॉशिंग मशीन का कवर आसानी से सिल सकती हैं। तो इस तरह से आप, मैंने ये कपड़े को फोल्ड कर लिया है 4 लेयर में, तो ये आप देख सकते हैं फ्रेंड्स। मैं ये पेपर पे आपके करके दिखा रही हूँ, क्योंकि ये काफ़ी बड़ा है पर्दा, तो इस तरह से अच्छे से नहीं दिखाई दिया होगा, तो आप पेपर पर देख लीजिए। तो इस तरह से हमें फोल्ड करना है, यानी 4 फोल्ड में करना है। और वॉशिंग मशीन का मेजरमेंट है, यानी मेरी वॉशिंग मशीन का मेजरमेंट है 33 लंबाई है इसकी, उसमें 2+ हम ऐड करेंगे क्योंकि हम नीचे से फोल्ड करते हैं। और विड्थ है इसकी 20, और उसमें भी हम 2+ ऐड करेंगे, यानी 22 हमारी इसकी विड्थ हो जाएगी, क्योंकि जो सिलाई में जाएगी वो एक्स्ट्रा लेनी पड़ती है हमें। तो इस तरह से इसकी कटिंग कर लेंगे। मैं आपको करके दिखा रही हूँ किस तरह से कटिंग करना है। आपके पास कोई भी मशीन हो सकती है, आप उसका मेजरमेंट लीजिए और इस तरह से आप उसकी कटिंग करें, उसमें 2-2 इंच उसमें ऐड कीजिए आप, ताकि सिलाई में आए और फोल्ड होने के लिए हमें एक्स्ट्रा लेनी है। तो इस तरह से 4 पीस कट हो चुके हैं, ये आप देख सकते हैं। और फिर क्या करना है, हमें ऊपर का पार्ट लेना है स्क्वायर में, तो उसकी लंबाई चौड़ाई मेरी बराबर है, यानी उसमें 21 इंच है जो ऊपर का पार्ट होता है, जैसे हम चलाते हैं कपड़े डालते हैं वो वाला, तो वो मैंने स्क्वायर में कट किया है 22 इंच का, 22x22 है। तो इस तरह से ये 4 पार्ट्स हमारे रेडी हो चुके हैं। मैंने इस तरह से इनको कट कर लिया है, और साइड से जो बंद है इसको भी हम ओपन कर लेंगे। तो वॉशिंग मशीन का कवर बनाना फ्रेंड्स बहुत ही ईजी है, ऐसा नहीं है आपको इसमें सिलाई आना ज़रूरी है। अगर आप थोड़ी बहुत भी सिलाई जानती हैं तो आप इजीली इसे घर पर बना सकती हैं, क्योंकि इसमें ज़्यादा मुश्किल कुछ भी नहीं है। तो 4 पीस रेडी हो चुके हैं। इसके बाद मैं कट करूँगी ऊपर का पार्ट, जो हम उसका कवर करेंगे, यानी जो ढक्कन के ऊपर कवर करेंगे। इस तरह से मैंने ये 22x22 इंचज कट किया है स्क्वायर में, मैंने बताया था आपको इस तरह से। ये आपको अपनी वॉशिंग मशीन के अनुसार मेजरमेंट लेना है, लंबाई चौड़ाई जो भी आपकी वॉशिंग मशीन आपके पास हो। तो इस तरह से मैंने ये स्क्वायर में पीस कट कर लिया है, और ये जो नीचे है ये इसको मैं हटा दूँगी। तो ये मैंने 4 पीसीज इस तरह से अटैच कर लिए हैं, चारों तरफ से मैंने इनको अटैच कर लिया है। अब हमें क्या करना है, जो हमारा ऊपर का पार्ट है, यानी मेन जो पार्ट ऊपर का है, उस स्क्वायर वाला जो पीस है उसको हम 1 पीस से अटैच करेंगे। पूरे को हमें चारों तरफ से इसको अटैच नहीं करना है, सिर्फ एक ही तरफ से हम इसे सिलाई लगा लेंगे, ये आप देख सकते हैं। और इसको मैंने पहले चारों तरफ से इस तरह से फोल्ड कर लिया है फिनिशिंग के साथ, इस तरह से आपको सिलाई लगा लेना है पहले, और इसके बाद हमें इसको अटैच करना है। तो ये मैं अब इसमें इसके साथ इसको अटैच कर दूंगी एक साइड से, कोई भी एक साइड ले सकते हैं इसमें, क्योंकि ये चारों तरफ से बराबर है यानी इक्वल है, तो आप कोई भी एक तरफ से इसको किसी भी एक पार्ट के साथ इसको अटैच कर दें। तो यहाँ पे मैं अटैच कर दूँ इस तरह से, अब इसको मैं अटैच कर लूँगी और यहाँ पे सिलाई लगा लूँगी। तो ये आप देख सकते हैं इस तरह से मैंने इसको अटैच कर लिया है।
तो ये हमारा वॉशिंग मशीन का कवर बनके रेडी हो चुका है फ्रेंड्स। इसमें कुछ भी नहीं है ऐसा जो आप, तो ये आप देख सकते हैं इस तरह से मैंने इसको कवर सिला है। और ये मेरी वॉशिंग मशीन है फुल्ली ऑटोमेटिक जो मैंने अभी नई ली है, तो ये आप देख सकते हैं मैं कवर लगा के दिखा रही हूँ आपको। तो ये मैंने इस पे कवर लगा दिया है और इस साइड से मैं चिट बटन लगाऊंगी। आप चाहें तो इस पे चैन भी अटैच कर सकते हैं, यानी चैन लगा सकते हैं। मैं एक साइड में तीन तीन चिट बटन लगाऊंगी, यानी मैं इसमें 9 चिट बटन लगा दूंगी क्योंकि वो काफ़ी इजी होते हैं खोलने में और बंद करने में। तो ये था आज का वीडियो फ्रेंड्स, आई होप आपको ज़रूर पसंद आया होगा। तो इसे सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। थैंक।